अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी उपलब्धि। आपको बता दें, बनमनखी अनुमंडल थाना अंतर्गत नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। जाली नोटों में संलिप्त 5 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। जाली नोट छापने वाले प्रिंटर और मशीन भी बरामद कर लिए गए हैं। घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों के नाम नीतीश कुमार, गणेश कुमार, सुभाष कुमार शर्मा, अमित शाह और मोहम्मद एनुल है। इनके पास से जो बरामद की गई है उसे सुनकर आप कहेंगे बाप रे बाप, नोटों का इतना बड़ा जखीरा। 100 रुपए का कुल जाली नोट, 4,91,000 रुपए बरामद किए गए। देखिए, पहले लोग बड़े नोटों का जाली का कारोबार करते थे, 500 रुपए, 1,000 रुपए के। फिर जब 2,000 का नोट आया तो 2,000 नोट के। लेकिन 2,000 नोट कोई भी लेता है तो बार बार उसकी बारीकी की जांच करता है। 150 रुपए के नोट की बारीकी से जांच नहीं होती है। यही वजह है कि शातिर दिमाग लोगों ने प्रिंटर के माध्यम से 100 रुपए के नोट छाप दिए। 4,91,000 रुपए बरामद किया गया। नेवी ब्लू बजाज मोटरसाइकिल, 1 काला पल्सर मोटरसाइकिल, हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल, विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल फोन, जाली नोट छापने वाले प्रिंटर मशीन 2, 1 लेमिनेशन की मशीन, A4 साइज का पेपर का पैकेट, 1 हरा रंग का सेलो टेप, 1 लाल रंग के प्लास्टिक कवर में लगभग 8 इंच लंबा स्टील का कटर चाकू। ये तमाम चीजें जिनके माध्यम से जाली नोट का जखीरा का कारोबार फल फूल रहा था, पुलिस ने जब्त किया है। जी सर, दिनांक 28/9/2022 की संध्या में सूचना प्राप्त हुई कि जानकी नगर से पूर्णिया की ओर कुछ लोग जाली नोट लेकर आ रहे हैं। इसी क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें बनमनखी थाना प्रभारी मिराज हुसैन और जानकी नगर के प्राप्त वनी अभिषेक शामिल थे, और तकनीकी शाखा के पदाधिकारी हमारे वहाँ पर पंकज आनंद अपनी टीम के साथ पहुँचे। बॉर्डर एरिया पर छापेमारी, बॉर्डर एरिया पर घेराबंदी करके हम लोगों ने मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ा और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उनके पास 4,91,000 रुपये बरामद हुए। इनके द्वारा बताया गया कि जानकी नगर में इनके द्वारा प्रिंटर से जाली नोट की प्रिंटिंग की जाती है। सूचना के आलोक में हम लोगों ने वहाँ पर छापेमारी करी और 2 प्रिंटर और जो पेपर जिस पर ये लोग प्रिंट करते थे उसको जब्त किया गया। कुल 4,91,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है जाली नोट, 100 का डिनोमिनेशन का। आपका 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हम लोगों ने करी है और अनुसंधान के क्रम में हम लोग आगे जो भी आएंगे इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, इसका कोई लिंक आगे नजर आ रहा है क्या? अभी हम लोग उसको अनुसंधान के क्रम में आगे आएगा तो आपको बताएंगे। कहाँ चलाता है मुख्यतः? ये 100 रुपये के ही नोट का जाली नोट प्रिंट करते थे और ग्रामीण बाज़ार में ही इसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, जहाँ पर इनका कहना है कि शहरी बाज़ार में थोड़ा मुश्किल होता था इस तरह का नोट को चलाना, लेकिन ग्रामीण बाज़ार में इनका ये खप जाता था। 5 लाख का जो नोट है ये थर्ड पार्टी को 2 लाख रुपए में बेचते थे। 5 लाख का जाली नोट 2 लाख रुपए में थर्ड पार्टी को बेचते थे और उनके द्वारा इसे 5 लाख चलाया जाता था। कितने दिनों से ये धंधा चल रहा था? अभी तो इन्होंने बताया है कि पूर्व में इन्होंने केवल 1 बार ही काम किया है, लेकिन अभी हमारा अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के क्रम में आगे जो भी बताएंगे आप लोग। से जिस पार्टी 5 लोग जो पकड़े गए हैं उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है या? इन लोग के द्वारा छापा भी जाता था, इन लोग के द्वारा नोट चलाया भी जाता था और इन लोग के द्वारा थर्ड पार्टी को भेजा भी जाता था। इसमें सभी गिरोह है 5 व्यक्तियों का। तो सर, ये थर्ड पार्टी से किसी की गिरफ्तारी भी है जिसको बेचा जाता था? कोई पता चला है? 2 व्यक्ति हैं जो पैसे को लेकर मार्केट में चलाते हैं। अच्छा, अभी इस लिंक पर भी हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। अभी मधुबनी TOP क्षेत्र में कल रात को छापेमारी करके शराब भी हम लोगों ने बरामद किया है और सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्णिया पुलिस के द्वारा लगातार गिरफ्तारी और बरामदगी की जाती है। तो अनुसंधान के क्रम में दोनों का लिंक हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, अगर होता है तो आप लोग को बताएंगे। बता दें कि बनमनखी अनुमंडल थाना कांड संख्या 344/22 के तहत आज धारा 489, 489 AB, C, D, 414, 34, 120 भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत गिरफ्तारी की गई है, जब्त की गई है। बनमनखी थाना अंतर्गत बता दें कि सूचना मिली और जानकी नगर से आने वाले 4-5 व्यक्ति को मोटरसाइकिल से जाली नोट लेकर पूर्णिया जा रहा था।
सूचना के आलोक में श्री दयाशंकर पुलिस अधीक्षक पूर्णिया के द्वारा जाली नोट के तस्करी की गिरफ्तारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री कृपाशंकर आजाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी को इसकी नेतृत्व दी गई। उन्होंने छापेमारी की, दल का गठन किया। थानाध्यक्ष मेराज हुसैन, बनमनखी के विश्वजीत कुमार सिंह, बनमनखी थाना के ही पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार, जानकी नगर थाना के पंकज आनंद, प्रभारी तकनीकी शाखा के सिपाही रंजीत कुमार, सुनील कुमार, रोहित कुमार, इंद्रजीत को शामिल कर टीम ने तत्काल धर दबोचा। छापामारी में नोटों की तस्करी की गिरफ्तारी हेतु मोहनिया नवटोलिया से लगभग 200 मीटर पूर्व NH 107 पर पहुंचकर सुनसान जगह देकर वाहन चेकिंग आरंभ किया गया। चेकिंग के क्रम में 3 मोटरसाइकिल मोहनिया नवटोलिया से आती दिखाई पड़ी। पुलिस को चेकिंग करते देखकर उक्त तीनों मोटरसाइकिल सवार अपनी अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन छापामारी दल ने उसे खदेड़ कर बनमनखी में गिरफ्तार कर लिया। तमाम गिरफ्तारियों के बाद उनके पास से जो मिला वह होश फाकता करने के लिए काफी थे। 100 रुपए के जाली नोट बेहद सातिराना तरीके से बरामद किया गया। आप भी कहेंगे बाप रे बाप, इतना बड़ा नोटों का कारोबार, वह भी बनमनखी में। जी हां, बनमनखी में नोटों का कारोबार, नकली नोटों का कारोबार, जाली नोटों का कारोबार का हुआ भंडाफोड़। होश फाकता हो गए। पूर्णिया पुलिस की यह बेहद बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तमाम अभियुक्तों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि यह बनमनखी पूर्णिया पुलिस की उपलब्धि है और निश्चित रूप से जाली नोटों के कारोबार करने पर नकेल कसने की कार्रवाई भी। बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।